मारकर एक क्योंकि हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है जिसमें प्रोडक्ट का नाम लिखा है पर्चे दबाओ। अच्छा पर्चे दबाओ मतलब हमें ये माल रन कितने का पड़ा, फिर हमने उसके ऊपर एक्सपेंस कितना किया है यानी किराया वगैरह, फिर हम पहले एक मालूम करेंगे प्रॉफिट अमाउंट। प्रॉफिट अमाउंट का वसूल क्या है 3%, यानी जो इसकी जितनी प्राइस होगी उसका 3% हमारा प्रॉफिट है, तो वो भी हम यानी के पहले निकालेंगे। उसके बाद हम सेल ग्रॉस अमाउंट में जाएंगे, यानी अब हमें वो चीज एक देनी कितनी, ठीक है, और हमने कितने की बेची है, ठीक है, खरीदी कितने की है, उसका एक्सपेंस कितना किया है, और ठीक है ये सारी मिलाकर हमारी कस्टमर की जो बनेगी यानी जिसपे हम उसको देंगे सेल करेंगे वो कितनी बनेगी। तो ऐसा हुआ कि हमने पहले प्रॉफिट अमाउंट निकाला है। प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकाला है हमने, परचेज अमाउंट निकला 3% यानी 100 पे 3, अब 100 पे 3 है भले उसकी 20 रुपया कीमत, फिर उस हिसाब से वाले पॉइंट पे जवाब है कोई मसला नहीं, लेकिन हमें प्रॉफिट 3% ही लेना। जब ये निकल गया यहाँ पे तो फिर यहाँ पे सेल ग्राफ पे क्या करेंगे आप, सेल ग्राफ पे ये करेंगे परचेज अमाउंट एक्सपेंस और प्रॉफिट जो हमने निकाला हो उन सबको हम जमा करके यहाँ पे रखेंगे, पता चलेगा उसकी। और ये ग्रॉस क्यों है, इसलिए क्योंकि अभी इसका टोटल वगैरह होना है। अब यहाँ पर हम टोटल ग्रॉस अमाउंट कर रहे हैं, टोटल ग्रॉस अमाउंट सेल ग्रॉस अमाउंट फर्स्ट एंड सेल ग्रॉस अमाउंट लास्ट, पहले इसका टोटल होगा उसके बाद टोटल एक्सपेंस निकाल। टोटल एक्सपेंस कैसे निकलेगा, पहला से ये और आखिरी से, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि हम टोटल ग्रॉस में से माइनस कर देंगे एक्सपेंस, भाई अब फुल एंड फाइनल हमें इतना प्रॉफिट हो रहा है एक्सपेंस।